अल्लाह का जिक्र क्या है? असल में जो अल्लाह का जिक्र है ना, वो तस्बीह के दाने फेरने का नाम नहीं है। अल्लाह के जिक्र से मुराद अल्लाह की याद है। यानी कि इसकी एक एग्जांपल ऐसी होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई शख्स आके आपके साथ बदतमीजी करता है और आप उसको जवाब दे सकते हो, लेकिन आपको अल्लाह याद है, अल्लाह का जिक्र आपके दिल में कायम है, तो आप उसकी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं दोगे और इखलाकन उसको सही तरीके से डील करोगे, उसकी सख्ती को बर्दाश्त करोगे सब्र के साथ। और जब आप अच्छे तरीके से उसको जवाब दोगे तो फिर ये है असल में अल्लाह का जिक्र, यानी कि अल्लाह की याद। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे बस अल्लाह के जिक्र से मुराद ये है कि कुछ देर के लिए कोई तस्बीह के दानों पे जिक्र कर लिया। वो जो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, वो हमारी जिंदगी में वो अमल झलकना चाहिए। इसी तरह से अगर आपने किसी दुश्मन पे काबू पा लिया, आपका कोई जाती मसला है उसके साथ और अब आपके पास पूरा इख्तियार है कि उसको आप उड़ा के रख दें, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की याद दिल में रखते हुए आप उसको माफ कर दें, तो ये असल में अल्लाह का जिक्र है।